और फिर जाके पंखा लेके आऊंगी, क्योंकि पंखे के बिना नहीं हो सकता ब्रो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लाइफ अपडेट ये है कि मैं अब एक न्यू अकोमोडेशन में जा रही हूँ। जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं अपनी दोस्त के पास रुकी थी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली, और अब मेरे को एक नया अकोमोडेशन मिला है। वो इतना ख़ास नहीं है, वो स्टूडेंट अकोमोडेशन है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। सो अभी मेरे को सारा मैंने पैक किया फिर से, वहाँ पे जाके फिर अनपैकिंग करनी है। बहुत लाइफ मेस बन चुकी है, बट दैट्स फाइन। सो अब चलते हैं, लेट्स गो। टाइम हो चुका है, कैब बुलानी पड़ेगी, सो लेट्स गो फटाफट। और यहाँ का मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल मेरी दोस्त ने मेरे को ये रहने दिया अपने साथ। एंड मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत कामिंग है। एंड वन डे आई होप आई स्टे इन सच लोकेशन। सो लेट्स गो, सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारा सामान अभी मैं नीचे रख के आई हूँ। उफ, हेक्टिक, लेट्स गो, बट बहुत लेट हो रही हूँ। बाय बाय फ्लैट। दिक्कत जो मेन मेरे को है वो है स्टोरेज की। यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम है, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। अलमारियाँ ऐसे हैं, इतनी सी अलमारी में तो कुछ भी नहीं हो सकता, और इतना हल्का सा, प्लस ये है इतना, सिर्फ इतने में कैसे मैनेज करूँ यार। देखते हैं भाई, करते हैं कुछ तो, करते हैं। पूछ रही हूँ अपने जो नाइट सूट्स वगैरह है ना वो इसमें डाल दो, इनमें, और ट्रैक पैंट्स वगैरह है ना, बेस्ट। सो कल तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैंने आधी अनपैकिंग करी, और रात को मुझसे आई स्वेयर सोया नहीं गया। इतनी गर्मी थी ना, मैं अपने ऊपर रात को पंखा कर रही हूँ कि मुझे थोड़ी वेंटिलेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन है ही नहीं, और बहुत गर्मी थी, और बिना पंखे के तो यहाँ पे चल ही नहीं सकता। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं भी हालत देखो कमरे की, बहुत ही ख़राब है ये, अभी सब गिरा पड़ा, कुछ हुआ नहीं अनपैकिंग ढंग से। तो अभी मैं थोड़ा अनपैक करके अच्छे से, और फिर जाके पंखा लेके आऊँगी, क्योंकि पंखे के बिना नहीं हो सकता ब्रो। कुछ सस्ता सा टिकाऊ सा पंखा ले आऊँगी, एंड देन देखते हैं क्या करते हैं, मतलब रूम थोड़ा सेट करूँगी। थोड़ा सामान पिछले वाले फ्लैट पे है, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आना है। सो अरे भगवान, ये शिफ्टिंग दिमाग ख़राब हो जाता है, शिफ्टिंग, अनपैकिंग, पैकिंग, बस ओके, इट्स लाइफ ब्रो, ऐसे ही सीखते हैं।
ऐसी मंडी तो मैंने पहली बार देखी है भाई। और वहाँ पे मंडी बोलते हैं ना जो सब्जियों वाली दुकान को, वाह यार बहुत सस्ती थी। अब तो मैं सब्जी यहीं से ही लूँगी, बहुत सस्ती सब्जियाँ थी। ऑल्सो अभी मैं जैसे सामान लेके आई हूँ दूसरे फ्लैट से अपना, इतनी देर में मेरा फ़ैन आ चुका है, मैंने सुबह ऑर्डर प्लेस कर लिया था। ये भगवान इतना सामान, अरे यार। हाँ तो मैंने सामान, और एक तो मेरे को लगता है कि मेरा कोई फ़ोन उठा के ले जाएगा हमेशा, ले ही ना जाए। हाँ तो सेंसबरी से यहाँ से आर्गो से मैंने फ़ैन ऑर्डर किया, काफ़ी चीप रेट पे मुझे मिल गया है। चीप तो पता नहीं मेरे को कितना है नहीं है, पर ठीक है, चाहिए तो था ही भाई फ़ैन। उफ आ गया फाइनली। सो यहाँ पे आर्गोस है, आर्गोस पे आपको सारा सामान है। सो यूके में एक ब्रांड है आर्गोस, वहाँ से सारा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एंड यहाँ पे ऑर्डर कैसे करते हैं वो बताती हूँ। ऐसे एक मशीन होती है, यहाँ पे आप अपना ब्राउज कर सकते हो सेल पे, ये सब कुछ ऑर्डर करते हो आप, चूज़ करते हो एंड देन आपको कोड मिलता है, डिलीवरी कोड आपके ईमेल पे, एंड देन आपको कलेक्ट करना होता है द नेक्स्ट डे और द सेम डे, टाइम और डेट सब कुछ लिखी होती है। भाई गॉड, अंदर घुसी हुई इतनी गर्मी लग रही है और मैं इतना थक गई हूँ, मैं बता ही नहीं सकती इतना थक गई हूँ। बस इतनी गर्मी, थैंक गॉड ये आ गया यार। कैसे रह रहे हैं लोग यूके में, क्या सिस्टम है यार, पंखा लगा ही लो, प्रोवाइड करना ही चाहिए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बस ये ठीक हो यार, अब मेरे को लगता है इन्होंने पूरा डिसमेंटल करके दिया है, करवा लो मेहनत करवा लो पहले। अरे भाई सुनो यार, ऐसे यार इसको कुछ काम नहीं होता यार, ऐसे वाला काम नहीं होता, उठा लूँगी चीज़ें सब कुछ करूँगी, बट ओ माई गॉड यार कैसे होगा ये, इंस्ट्रक्शन होंगे। वैसे अक्षता को बुलाना पड़ेगा, इट्स टाइम टू कॉल अक्षता। देखती हूँ खुद से, वो फोन ही नहीं उठा रही है भाई, टाइम के वक्त पे कोई इंसान तुम्हारा फोन नहीं उठाता। पहले इसको ऐसे रखना है, फिर भाई अभी पंखे बनाऊंगी मैं यहाँ बैठ के इतनी गर्मी। ऐसे टाइम पे याद आता है कि इंडिया कितना बेटर है। ओके क्या ठीक है, स्क्रू। अबे भाई हेलो, ये नहीं हो सकता, स्क्रू व्रू वाले काम नहीं आते मेरे को। ओहो क्या है, एक नॉर्मल सा पंखा दी भेज सकते थे, मेरी पूरी मेहनत करवा दो। वैसे देख लो पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ मैं। ये कहाँ जा रही हूँ, पसीना पसीना हो गया, नहा के आना पड़ेगा अब। ये बनाया तो है, अब देखो चल गया भाई साहब, इतनी खुशी हो रही है, थैंक गॉड आई डिड इट भाई, ओ माय गॉड। हाँ इतनी खुशी हो रही है, पंखे के आ गया, क्या दिन आ गया भाई। फाइनली गाइस, फैन आ चुका है और मेरे को
बहुत टाइम बाद अच्छी नींद आ चुकी है। ऐसा नहीं लग रहा था कि सोते सोते मेरा दम घुट जाएगा। थैंक गॉड भाई ये फैन, अब आई सीरियसली आई एम ग्रेटफुल कि भाई इंडिया में कम से कम फैन पंखे तो होते हैं, एसी तो होता है क्या। बट व्हाटएवर, रैंट नहीं करूँगी, बट पीसफुल नींद आ गई थी। ये पंखा, थैंक यू पंखा। एंड अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ मिल्टन कीन्स। मैं आके एक बार भी अपने मामा से नहीं मिली हूँ, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है इस चीज़ से। बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी शिफ्टिंग विफ्टिंग में, मैं क्या कर सकती हूँ। बट अब हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और प्लूटो से भी मिलेंगे। सो लेट्स गो।